लोकसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान मचा है। कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी के बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने लेटर बम फोड़ा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र लिखकर खुद के खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताया है। साथ ही भाजपा के स्लीपर सेल वाले बयान को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि अगर पार्टी से कोई नाराजगी है तो सीधे संवाद करना चाहिए। वहीं कांग्रेस में मची अंतरकलह पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी तंज कसा है। कहीं न कहीं हम लोग अंदर से परीक्षण कर रहे हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश तो नहीं। ठीक है, अगर किसी कार्यकर्ता को नाराजगी है, हम लोगों ने शुरू से कहा है कि सीधा हमसे संवाद कर ले, हमसे बात कर ले, बंद कमरे में बात कर ले ये। और ठीक है, हम 100 में 100 कार्यकर्ताओं संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, 100 में 5 नाराज रहते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, हम घर पे बात करेंगे। लेकिन ये कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने और हमारे प्रत्याशी जहां भी कैंडिडेट घोषित किए मजबूत है, कहने के भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। तो इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के प्लानिंग से ये सब चीज हो रहा है, इसको भी कांग्रेस पार्टी पता कर रही है। दीपक बैज जी के ऊपर कई बार इस तरह की बात आई है, अब सत्य क्या है वो तो वो लोग ही जानेंगे, परंतु मुझे ये लगता है कि टारगेट करके भी उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। दीपक बैज जी को जानबूझकर सब लोग मिलकर टारगेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी लगता है। अभी वो उनका अपना अंतरकला है, लेकिन जो दिखता है बार बार बीच में, पिछली बार कुछ करोड़ों रुपए की बात आई थी, उतना निकाल करके किसी का भुगतान कर दिया गया, पार्टी में पूछा नहीं गया, आदि आदि विषय भी था, अभी फिर से ये विषय आया है, तो ऐसा ही कुछ मुझे दिखता है। अब उनका अंतरकला है भैया, उनके पार्टी का मामला है, हम लोगों को ज्यादा बोलना गलत है, फिर भी जो दिखता है सामने, जो समझ में आती है बात, मुझे तो यही लगता है कि टारगेट भी किया जा रहा है। आप